ऑलराइट, सो हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स योर बॉय ज़ैन बैक विद अगेन विद न्यू ब्रांड न्यू ब्लॉग। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो, फिर से रिटर्न आ चुका हूँ मेरे एक ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ। ब्लॉग के स्टार्टिंग में एक बात बताना चाहूँगा आपको कि अभी मैं बैंगलोर में हूँ और ट्रैवलिंग का कुछ ब्लॉग शूट नहीं कर सका क्योंकि रात के टाइम पे वीडियो की क्वालिटी तो वैसे भी कुछ भी नहीं रहती है। और क्या बोलना चाह रहा था, हाँ, तो इसलिए मैंने टाइम वेस्ट करने से अच्छा सोचा कि ना बैंगलोर जाके ब्लॉग शूट करता हूँ। और दूसरी बात ये बताना चाहूँगा, हाँ, नीचे एक बंदा रुका है, उसका नाम अयूब है। तो अभी हम लोग को इधर से जाना है कब्बन पार्क और वो बंदा वेट कर रहा है, तो कपड़े चेंज करते हैं और मिलते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। एक कमेंट ज़रूर करना पहले, उसके बाद सब कुछ करना। सो वही चलो चलते और देखते हैं। तो बाय द वे अभी क्या बताऊँ, मैं अभी सीढ़ी उतर रहा हूँ, इधर से जाता हूँ नीचे। एक बात बताऊँ, मैं मेरे गाँव में ना बगैर मास्क के घूमता था और बैंगलोर में तो मास्क के बगैर किधर जाने को मिल रहा ही नहीं है। और जिधर मेरे गांव में मैं बाइक 80 पे 120 पे भगाता था, इधर 40 से ज़्यादा जाने को मिल रहा नहीं है, तो समझ सकते हो। तो अभी चलते हैं बाइक के पास और इधर से जाएंगे, मे बी कब्बन पार्क ऐसा कुछ नाम है या फिर चिन्नास्वामी स्टेडियम चलते हैं, देखते हैं। तो जो होता है देखते रहना, व्लॉग पे बने रहना। तो सो भाई चलो चलते और देखते हैं। डूड बहुत मज़ा करने वाले हैं। कब्बन पार्क के एंट्रेंस में हूँ, जैसे देख सकते हो ये एंट्रेंस है। सो भाई चलते अभी अंदर और देखते हैं। मतलब मैं भी पहली बार आया हूँ, अयूब का तो पता नहीं है, अयूब पहली बार आया है या कितनी बार आया है, कोई इतने नहीं रहता। तो मे भी हो सकता है शायद से बहुत बार आ चुका है। चलते और देखते हैं। तो एक बात बताऊंगा मैं आप लोग को, मतलब मैंने पहले जब गया मैं अंदर और उधर पार्किंग नहीं थी, तो पार्किंग के लिए हम लोग पूरा घूम के आए। तो अभी आगे इधर एक कैंटीन है, कैंटीन के आगे बाइक पार्क की है। तो फिर से चलते हैं अंदर और जैसे कि तुमने टाइम लैप्स देखा रहेगा कि कितना प्यारा लग रहा है, तो उधर जाके क्लोजअप शॉट लेने का और सिनेमेटिक शॉट लेने का मज़ा ही कुछ अलग है, तो समझ रहे हो। सीधा चलते हैं अंदर, तो रील्स भी शूट करना है तो रील्स भी शूट कर दो। तो सो वही चलते और देखते हैं। पहली बात तो मास्क नहीं निकालना चाहिए, मास्क निकाल के बात कर रहा हूँ। अपने गांव जैसा है नहीं ब्रो, इधर कुछ भी नहीं है। मतलब जिधर मैं गाड़ी भी उधर 80 पे भगाता था, तो इधर गाड़ी 40 पे भगाना पड़ रहा है, तो समझ सकते हो तुम। मतलब 5 मिनट के लिए एक एक सिग्नल मिल जाएगा तुम लोग को, मतलब बहुत अलग है डूड, बहुत अलग है। मैं अभी जाऊँगा, क्या बोलते हैं, कब्बन पार्क। तो कब्बन पार्क जाके थोड़ा बहुत देखूँगा और आपको भी दिखाऊँगा, क्योंकि मैं खुद पहली बार जा रहा हूँ। जितना मेरे को पता लगेगा मैं आपको बताऊँगा, और जो मेरे को नहीं पता लगेगा मैं गूगल कर लूँगा। तो सो वही चलते और देखते हैं। आज से एक बात बोलना चाहता हूँ आपसे, यहाँ से डेली व्लॉग आएंगे कोशिश करता हूँ। ये चैलेंज नहीं है, बस ये बोल रहा हूँ मैं, क्या पता ये हुएगा या फिर नहीं हुएगा। भाई तेरे को क्या लगता है कि डेली व्लॉग्स आएंगे क्या चैनल पर? नहीं आएंगे, आएंगे ना भाई, आएंगे। तो फिर भी ट्राई करते हैं यार, तो समझ सकते हो तुम।
मतलब चैनल की रीच तो रुक गई है पूरी सी, पता है, और हम कोशिश नहीं छोड़ेंगे, समझ रहे हो। इधर से ही आगे गए थे हम, और फिर इधर से फिर पीछे बाइक उधर पार्क की है, तो क्या कर सकते हैं ब्रो। एक खब्बन पार्क तो मैं खब्बन पार्क के अंदर हूँ, मतलब इतना सा ही मास्क नीचे करने पर डर लग रहा है, पता है फिर फाइन पड़ जाएगी तो ये ना हो, फिर होएगा ये कि चार आने की मुर्गी और बारह आने का मसाला, तो समझ सकते हो तुम। सो चलते और देखते हैं ब्रो। बाय द वे यही है वो लाइब्रेरी, और मतलब जो आपने हाइपरलैप्स में देखा तो वो मतलब इस रास्ते से हम अंदर आए थे, एक मिनट, हाँ तो इस रास्ते से हम लोग अंदर आए थे और ये लाइब्रेरी है, और फिर इधर से हम लोग ने ना यू टर्न लगाए थे ऐसा, तो मतलब यू टर्न लगा के पूरा चक्कर काट के फिर उधर ही आके रुके हैं। तो अब इसके चलते हैं मेन फ्रंट पे, फ्रंट गेट पे, उधर जाके ले। बाय द वे मैं आप लोगों को जो लाइब्रेरी बाहर से दिखाया था तो अभी मैं उसके अंदर हूँ, तो देख सकते हो डूड। बाय द वे डूड एक बात बताना चाहूँगा, अंदर तो गया मैं और लेकिन ना उधर कैमरा अलाउ है और ना ही शोर करना अलाउ है, समझ सकते हो, तो इसलिए फिर मैं रिटर्न आ गया बाहर। तो अभी क्या कर सकते ब्रो, कुछ भी नहीं कर सकते, जब वो कैमरा ही अलाउ नहीं है अंदर तो जाके फ़ायदा नहीं था, लेकिन फिर भी देखा इतना बढ़िया है, जो आपने 10 सेकंड का भी शॉट देखा होगा ना, इतना सुकून है अंदर में, क्या बताऊँ आपको। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, आई होप एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू गाइस डिड मेक श्योर टू सब्सक्राइब नाउ माय यूट्यूब चैनल, और इंस्टाग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जल्दी से जाओ जाके फॉलो कर लो आपके भाई को, आपका भाई आपसे डेली ब्लॉग करने की कोशिश करेगा, कोशिश कर रहा हूँ, मतलब ये कुछ चैलेंज नहीं है ऐसा समझ रहे हो, मतलब डेली ब्लॉग करने की कोशिश करूँगा, चैलेंज नहीं है, मे भी हो सकता है कि डेली ब्लॉग्स आएंगे इधर से, और सो वही बस, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लगा, और जो भी बैंगलोर में रहते हैं और तो ये वीडियो देख रहे हैं तो बता दो मेरे को भी कि कौन सी किधर किधर अच्छे अच्छे प्लेसेस है, तो सो वही बस, पीस आउट।